हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कैप। देखिए, ये स्पाइरल कैप है, इसमें लाइनें बनेंगी और ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है। 1 साल के बच्चे को ये आराम से आएगी। मैंने इसमें डाले हैं 50 फंदे। आप इसे गर्ल के लिए या बॉय के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। 50 स्टिचेस मैंने इसमें लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। ये अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। नीटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम पहली सिलाई ऐसे ही पूरी उल्टी बुन लेंगे। आप इसे सीधे से भी शुरू कर सकते हैं, आप इसे उल्टी सिलाई से भी शुरू कर सकते हैं। यह मैंने इसको उल्टी सिलाई से शुरू किया है। ये इस तरह से हम सिलाई पूरी कर लेंगे। ये देखिए, ये इधर से बुनते हुए हमने पूरी उल्टी सिलाई इसी तरह से बुन ली। इसमें हमने कोई भी फंदा घटाया नहीं है, कोई भी बढ़ाया नहीं है। यहाँ से अब हम इसकी दूसरी सिलाई पर आएंगे तो हमें यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा करना है। हम इसको इस तरह से नहीं लेंगे, इस तरह से लेंगे क्योंकि जब बाद में हम इसका बॉर्डर बुनेंगे और हम फंदे उठाएंगे तो हमें एक चेन जैसी मिलेगी, तो हमें ये फंदे उठाने में आसानी रहेगी। इसलिए हम इस तरह से इसमें 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। 1 फंदा हमारा यहाँ घट गया। जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो हम यहाँ 1 फंदा बढ़ाएंगे। हर बार हमें यही करना है कि हमें यहाँ से जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें फंदा घटाना है, जब इस सिलाई का लास्ट करेंगे तो हमें 1 फंदा बढ़ाना है और उधर की सिलाई पर हम कोई भी फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। इसमें हम एक मार्कर लगा लेते हैं, इसको हम राइट साइड मान के चलते हैं। चाहे आप राइट साइड इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं। मैंने ये मार्कर इसलिए लगाया है ताकि हमें याद रहे कि जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हमें फंदा घटाना है और जब हम लास्ट करेंगे सिलाई का तो हमें फंदा बढ़ाना है। वो उल्टी सिलाई बुनी हमने, ये हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें 1 फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से हम ये लेंगे, ये वाला फंदा, पहला फंदा छोड़ के, ये लास्ट का फंदा छोड़ के सेकेंड लास्ट फंदे में हम यहाँ से 1 फंदा उठा लेंगे। इसको यहाँ लेंगे, पहले ये वाला बुन देंगे और फिर ये वाला। देखिए, ये हमारा 1 फंदा बढ़ गया और ये हमारा 1 फंदा घट गया। फंदे उतने ही रहेंगे और ये हमें हर सिलाई पे करना है। जो सिलाई इस तरफ से आएगी उस पे नहीं करना है और जो इस तरफ से जाएगी सिलाई उसमें हमें हर बार यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा करना है और यहाँ पर 1 फंदा बढ़ाना है। और इधर की सिलाई हम ये पूरी उल्टी बुन लेंगे। तीसरी सिलाई है हमारी ये। 6 सिलाई होने तक हम इसी तरह से बुनेंगे। पहली सिलाई हमने बिना कोई भी फंदा घटाए बुनी, दूसरी सिलाई में हमने 1 फंदा घटाया, 1 बढ़ाया और तीसरी सिलाई हम फिर इसी तरह से बुन रहे हैं पहली सिलाई की तरह, और चौथी सिलाई हम दूसरी सिलाई की तरह बुनेंगे। देखिए, ये पूरी सिलाई हम इस तरह से बुन लेंगे। अब इसकी अगली सिलाई जब पूरी करने के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे और यहाँ पर 1 फंदा बढ़ाएंगे और फिर से उल्टी सिलाई करेंगे। इसकी पहली, तीसरी और पांचवी सिलाई हम बिल्कुल उल्टी बुनेंगे और दूसरी, चौथी और छठी सिलाई उसमें हम 1 फंदा यहाँ घटाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे। 6 सिलाई करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी। ये तीसरी सिलाई है, मैं अभी 3 सिलाई और करूँगी, उसके बाद हमें क्या करना है।
ये देखिए, ये अब हमारी 6 सिलाई पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 सिलाई हमारी ये पूरी हो गई। अब हम जो 7वीं सिलाई, इसमें हमने यहाँ ये वाला फंदा यहाँ घटा दिया और यहाँ बढ़ा दिया। अब हम ये वाली सिलाई पर आएंगे। इस बार हमें ये सिलाई उल्टी नहीं बुननी है, इसको हम सीधा बुनेंगे इस तरफ से। इधर हमारा उल्टा पार्ट आना चाहिए ये, इधर सीधा। अब इसके बाद की 6 सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है कि इस तरफ उल्टा आएगा और इस तरफ सीधा आएगा। इसी तरह से ये लाइनें बनती जाएंगी इसकी। इसी तरह से ये सिलाई पूरी करेंगे। देखिए, ये हमने सिलाई पूरी कर ली। अभी हमारा इस तरफ 6 सिलाई हमने इधर सीधे की बुनी, अब हमारा इधर उल्टा आ जाएगा। लेकिन हमें फंदा घटाना बढ़ाने का वही रखना है कि हमें इधर घटाना है और इधर बढ़ाना है। तो हम यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे और इसको उल्टी सिलाई बुनेंगे। और ये देखिए, ये हम सिलाई के लास्ट में आ गए। अब यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है, हम यहाँ से उठा लेंगे ये फंदा। और इस तरह से ये हम इसको बढ़ा देंगे। ये हमारी 2 सिलाई हो गई इस तरीके से। अब हम ये तीसरी सिलाई शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से हमें 6 सिलाई करनी है, जिसमें हमें इस तरफ सीधा रखना है और इस तरफ उल्टा रखना है। 6 सिलाई के बाद हम फिर से इधर उल्टा कर देंगे और उधर सीधा कर देंगे। देखिए, हम तीसरी सिलाई शुरू कर रहे हैं। इस वाली सिलाई पे हमें घटाना बढ़ाना है, यहाँ हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। देखिए, ये अब हमारी 6 सिलाई पूरी हो चुकी है इस तरफ से। एक दो तीन चार पाँच छ, 6 सिलाई हो गई अभी। अब हम यहाँ से इस तरफ उल्टा शुरू कर देंगे। ऐसे इधर उल्टा आ जाएगा। अब और इस तरफ से ये सीधा आ जाएगा। इस तरह से ये लाइनें बनती जाएंगी। देखेंगे, ये इधर उल्टा आया पहले 6 सिलाई, फिर इधर सीधी आ गई, अब ये फिर उल्टी आ जाएंगी। इसी तरह से हम ये बार बार हर 6 सिलाई के बाद चेंज करेंगे और ये कैप पूरी करेंगे। पूरी कैप में ही हमें ये घटाना बढ़ाना इसी तरह से रखना है। एक सिलाई में दोनों तरफ से, एक तरफ से घटाना है, एक तरफ से बढ़ाना है और दूसरी सिलाई में कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। देखिए, ये दोनों तरफ से एक जैसी दिखेगी। इधर यहाँ सीधा आ गया तो इधर उल्टा आ गया, यहाँ सीधा है तो यहाँ उल्टा है। इसी तरह से हम ये कैप पूरी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बुन के तैयार कर ली। देखने में ये शेप इस तरह से दिखेगी। यहाँ से हमारा ये फंदा बढ़ रहा है और यहाँ से हमारा ये फंदा घट रहा है। इधर से हमने ये फंदा घटाया और इधर से हमने ये फंदा बढ़ाया। ये पूरे में हमें वही करना है और इसकी लाइनें हमने बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर की दिखने वाली 10 हैं। और अगर हम ये भी गिनेंगे तो हमारी ये 20 हो जाएंगी लाइन। इस तरह से हमारी ये
कंप्लीट हो गई। अगर हमें इसकी चौड़ाई देखनी है कि हम कितना रख रहे हैं, तो हमें इसको इस तरह से मोड़ के रखना है और फिर ये वाला पार्ट हमें यहाँ रखना है। ये हमारी इसकी चौड़ाई बन जाएगी और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये हमारी गहराई हो जाएगी टोपी की। इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम ये फंदे बंद कर लेंगे, बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हमें इसका यहाँ से बॉर्डर बनाना है, तो पहले हम इन फंदों को बंद कर देते हैं। ज़्यादा टाइट हमें इनको बंद नहीं करना है, ढीला ढीला बंद करना है। बीस लाइन हमने ये बनाई है। अगर आप इसको न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 40 फंदे डालेंगे और ये लाइन भी इसकी कम से कम 14-15 लाइन बनाएंगे आप। ये लाइन आपके ऊपर है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। ये मैंने 6-6 सिलाई की बनाई है। अगर आप इसको बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको 8 सिलाई की भी बना सकते हैं, आप इसको 4 सिलाई की भी बना सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वर्धमान की वूल ली है मैंने, ये 3 प्लाई की ऊन है और 10 नंबर की सिलाई है। ये हर ऊन में अलग अलग फंदों का थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि कोई ऊन मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो उसी हिसाब से आपको फंदे एडजस्ट करने हैं। देखिए इस तरह से हम इन सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए ये हमने सारे फंदे बंद कर दिए इसमें। अब हम इसके यहाँ से फंदे उठा के हमें ये बॉर्डर बुनना है, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ से इसके फंदे उठाएंगे। ये देखेंगे आप, ये चेन जैसी दिख रही है। जब हमने फंदे घटाए थे तो हमने ये चेन देखी थी। यहाँ से हम जितनी भी हमें चेन दिख रही है ये सारे फंदे हमें उठा लेने हैं। देखिए इस तरह से हमें सारी चेन उठा लेनी है। ये उसके बाद हमें ये सारे फंदे गिनने हैं। अगर हमारे ये फंदे ज़्यादा होते हैं तो हमें पहली ही सिलाई में इनको घटा देना है, और अगर हमारे फंदे कम हैं तो हम पहली ही सिलाई में बढ़ा देंगे। इसमें हमें 84 या 86 फंदे हमें रखने हैं, और उसके अलावा जितने भी फंदे एक्स्ट्रा होंगे उनको हम कम कर देंगे इसको पहली ही सिलाई में। ये फंदे हमें पूरे यहाँ तक उठा लेने हैं इसी तरीके से, और उसके बाद हम ये 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे की बुनाई में हम बुनाई करेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा फंदे होंगे उनको हम कम कर देंगे। 84 या 86 फंदे रखेंगे, बाकी हम घटा देंगे। ये देखिए हमने ये सारे फंदे उठा के यहाँ से उठाते हुए ये 86 फंदे मैंने ये यहाँ रखे हैं। इस तरह से हमने इसके फंदे घटा दिए।
जितने फंदे एक्स्ट्रा हों वो घटाने पड़ेंगे, और अगर एक्स्ट्रा नहीं है, कम है, तो वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमें पहली ही सिलाई में करना है इस तरह से। अब हम इसके दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे हुए बुनते हुए, ये पहली सिलाई की। इसी तरह से आपको ये बॉर्डर पूरा बनाना है। दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, इस तरह से हम ये 1 से 1.5 इंच का बॉर्डर बना लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है हमने। कंप्लीट करने के बाद ये फंदे बंद कर लिए, दो फंदे का एक फंदा लेके। ये देखिए कितनी सिलाई की है मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिलाइयाँ की हैं मैंने इसमें। अगर आपको और पतला बॉर्डर रखना है तो आप इसमें 10 सिलाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको पूरे फंदे, दो फंदे का एक फंदा करते हुए ये बंद कर दिए। और ये फंदे हमें लूज बंद नहीं करने हैं, हल्का सा टाइट लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। हल्का सा टाइट लेते हुए हमें ये बंद कर देने हैं सारे फंदे। इस तरह से हम ये फंदे बंद करेंगे। अब हम ये इसमें सिलाई का धागा रख के थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको काट देंगे। देखिए ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया, ये हमारा नीचे का पार्ट है। ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे, और ये वाला कोना यहाँ मिला के हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से यहाँ से करते हुए हमें इसकी सिलाई करते जाना है। इस तरह से मिलाएंगे हम, और यहाँ से ये लेते हुए इस कोने तक, इस कोने से हमें इसको मिलाना है। इसमें आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो आपने ये फंदा बिना बुना लिया है इसकी चेन उठा के ये भी सिलाई कर सकते हैं, बखिया कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैं इसको ऐसे ही सिल रही हूँ, इसके बाद में जहाँ तक बॉर्डर है उसके बाद में इसको बखिया से सिलूंगी। देखिए इसको मैंने सिलना है यहाँ से लेके इस तरह से, एक लंबा टांका लेना है और उसके बाद जहाँ हमारा ये धागा है उसके पीछे से थोड़ा लेंगे और थोड़ा लंबा टांका लेंगे, और यह हमें थोड़ा टाइट करना है इस तरह से। उसके बाद फिर से पीछे से एक टांका लेंगे, ये देखिए ये इस तरह से यहां से ये आ जाएगा। इसको हमें पूरा सिल लेना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ये हमने इसकी सिलाई पूरी कर ली है यहाँ से, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें यहाँ हमें ये बंद करके यहाँ पॉम पॉम लगाना है, तो ये इस तरह से कैप तैयार हो जाएगी। तो देखें आप ये हम कैसे बंद करेंगे। यहाँ से जो ये हमने बिना बुना फंदा लिया है यही हमें लेना है। इसको हम धागे को थोड़ा यहाँ कर लेंगे ताकि हमारा ये डबल धागा आ जाए।
ये डबल धागा हो जाएगा हमारा और हमें ये पूरे फंदे इसी तरीके से उठा लेने हैं। और हमें इसको बिल्कुल टाइट करके बांधना है, जितना ज़्यादा टाइट आप बांध सकें इसको हमें टाइट करना है। ये देखिए ये पूरा हो गया। और इसको हमें बिल्कुल ऐसे खींच के तब ये हटा के लगाने हैं। अब ये कैप हमारी तैयार हो गई, इसमें हम पॉम्पम लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसमें पॉम्पम लगाएंगे। ये देखिए ये इसमें पॉम्पम लगा दिया हमने। इस तरह से ये कैप तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।